घने जंगलों की हरियाली, घाटी और झरनों से भरपूर एक यूनिक डिस्ट्रिक्ट है केओंझर। इस बार हम लेके आए हैं इसके ऐसे ही दो फेमस टूरिस्ट प्लेस और उसके साथ थोड़ी सी मस्ती। सावन बरसा बिजली हे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज अजितांशु और आप सभी को फिर से स्वागत है वर्ल्ड ट्रिप में। जैसे कि हमारा प्लान था सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के भीमकुंड जाने के लिए, पर सब टायर्ड हो गए थे तो कोई उठा नहीं। अभी 8 बज गए हैं और भीमकुंड का प्लान कैंसिल। अभी ब्रेकफास्ट करके सीधा जाएंगे बड़गागरा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज दिन में क्या क्या करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 8 बज गए हैं और ब्रेकफास्ट खाने का टाइम हो गया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिला है तो हम चल रहे हैं खाने के लिए। देर से उठने के बाद हम जल्दी जल्दी फ्रेश होके निकल जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि कॉम्प्लीमेंटरी था। खाने में तो बहुत सारे ऑप्शन थे, पर क्योंकि हम लेट हो चुके थे तो थोड़ा बहुत खा के जल्दी से होटल चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कल 300 किलोमीटर ट्रैवलिंग हो गई थी तो चेन ड्राई हो गया था, उसको लूप करके हम आगे बढ़ जाते हैं। बस कुछ ही देर जाने के बाद आता है सानघाघरा। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं सानघाघरा। एक्चुअली प्लान तो था बड़गागरा जाने के लिए, पर रास्ते में आया तो सोचे कि घूम लेते हैं थोड़ा। हेलो, अभी हम सानघाघरा वाटरफॉल पे हैं और धूप बहुत है, लेकिन सोच रहे कि थोड़ा सा बादल आ जाए या थोड़ा सा बारिश हो जाए तो अच्छा लगता, लेकिन धूप बहुत है, क्या करेंगे। फिर इतना लॉन्ग जर्नी ड्राइव करना है, थोड़ा सा मन को शांति मिल जाता। थैंक यू। केओंझर शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे है सानघाघरा। सानो का मतलब होता है छोटा और घाघरा का मतलब होता है झरना। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के विभिन्न हिस्सों से हजारों टूरिस्ट हर साल यहाँ घूमने और पिकनिक करने के लिए आते हैं। The calm, peaceful, relaxing, natural green forest environment with the beauty of waterfall has been the best choice for nature loving tourist to visit सानघाघरा again and again। हालांकि सर्दी पिकनिक का मौसम होता है, पर केओंझर में सानघाघरा अपनी ठंडी जलवायु के कारण साल भर में किसी भी समय घूमने के लिए अच्छा है। यहाँ माचाकांदना नदी धीरे धीरे पहाड़ियों से होकर गुजरती हुई मनमोहक सुंदरता के साथ प्राकृतिक झरने बनाती है। वाटरफॉल के नीचे एक पार्क है जहां पे आपको बोटिंग फैसिलिटी भी मिलेगी। सावन बरसा बिजली हे। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और बीच में करते हैं लंच।
लग रहा है और यार बहुत टेस्टी है खाना गाइस, मजा आ गया। कौन उड़ा नेम। लंच के बाद हम जाते हैं बड़घाघरा जो कि सानघाघरा से बस 15 मिनट की दूरी पे है। अभी हम पहुंच गए हैं बड़घाघरा में। केंदुझर जिले से गुजरते हर ट्रैवलर को एक भावपूर्ण अनुभव प्रदान करता है बड़घाघरा झरना। 60 मीटर हाइट से गिरती हुई ये वाटरफॉल की खासियत यह है कि चाहे कोई भी सीजन हो इसकी फ्लो कभी बंद नहीं होता। चारों ओर की हरियाली पहले से ही करिश्मी झरने में जादू का हल्का स्पर्श जोड़ता है और इसीलिए पर्यटक कुछ फुर्सत के पल बिताने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। इसके ऊपर भी मंदिर है लेकिन इन लोगों और जाने का मन नहीं कर रहा है, इन लोगों का पेशेंस नहीं है और तो भी निकल रहे हैं हम इसीलिए। फिर बारी आती है रिटर्न करने की और रास्ते में आता है द फेमस कांजीवाणी घाटी। आने के टाइम यहाँ नहीं रुक पाए थे तो थोड़ी देर वहाँ रुक के मॉनसून में हिल व्यू का मजा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की ट्रिप। आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे ही एक इंडियास बेस्ट केप सीक्रेट में।